दोस्तों, लाइव शोज़ में भी कभी कभी किस्से हो जाते हैं, मज़ेदार किस्से हो जाते हैं। मैं शुरू शुरू में सोनू निगम जी के साथ में एंकरिंग भी करता था, 3-4 साल उनके साथ में एंकरिंग की, तो मेरा रटा हुआ एंकरिंग का पैटर्न हुआ करता था कि गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है, हम सबको जिन स्टार का इंतज़ार था अब स्टार की बारी है, आ रहे हैं आपके बीच में वन एंड ओनली इंडियाज़ बिगेस्ट प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। और उनकी एंट्री होती थी, बहुत मज़ेदार होता था किस्सा और बढ़िया होता था, वो भी खुश होते थे मेरे एंकरिंग से और मुझे शाबाशी भी देते थे। एक दिन अचानक मुझे कुमार शानू साहब का शो आ गया, तो मैं सोचा कि अब इनकी एंकरिंग में क्या बोलूँ, लेकिन मैंने कहा कि ज़्यादा बदलाव नहीं करते, जो सोनू निगम जी के बारे में बोलता हूँ वही बोलूँगा, खाली जहाँ उनका नाम होगा सोनू निगम जी का वहाँ कुमार शानू बोल दूँगा। अब स्टेडियम का शो खचाखच, पब्लिक भरी हुई है, मैंने कुमार शानू साहब विंग में इंतजार कर रहे हैं और मैं उनका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि दोस्तों गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है, हम सबको जिस स्टार का इंतज़ार था अब उस स्टार की बारी है, आ रहे हैं आपके बीच द वन एंड ओनली इंडियाज बिगेस्ट प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। सर चकरा गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, सोनू निगम भी जिनको अपना गुरु मानते हैं, ऐसे महान प्लेबैक सिंगर, टाइगर ऑफ इंडिया, किंग ऑफ मेलेडी, आर एम के बीच में कुमार शानू। तो वहीं से विंग से अंदर से कुमार शानू साहब गाना गाते हुए आते हैं। उनका पहला गाना ये होता है, सांसों की ज़रूरत है जैसे, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए गा रहे हो, क्योंकि मेरी सांसें भराई थी उसमें, सचमुच सांसों की ज़रूरत थी मुझे ज़िंदगी के लिए। शो ख़त्म हुआ, शो ख़त्म होने के बाद में मैं उनके पास में डरते रहते कि अपने दादा वो, अरे नहीं नहीं अच्छा अच्छा कह रहे हैं, आज का अनाउंसमेंट अच्छा था, आज तुम्हारा पेमेंट डबल। बाद में पता चला कि कभी कभी मिस्टेक की हुई चीज़ भी जो है अच्छी हो जाती है, शो मस्ट गो ऑन। इसलिए भैया रंगमंच की रीत निराली, कभी तो ताली कभी तो गाली। आपको कैसा लगा ये मेरा किस्सा, ये रियल किस्सा है? अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको जैसा भी आपकी जो भी राय हो प्लीज़ दीजिएगा, लेकिन लाइव शो में ऐसा ही होता है, गड़बड़ छड़बड़ चलता है।